ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अक्सर आपके मन में ये डर होता है कि कोई आपका नुकसान पहुंचा दे, कोई आपका धन ले ले, कोई आपकी नौकरी खा जाए, कोई आपके व्यापार में कोई काला जादू कर दे, आपका व्यापार आपका बंद हो जाए। मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा, कहीं ये लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, कहीं लोग ये वैसा तो नहीं कर सकते हैं। और वो परेशानी हम हमारे दिमाग में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हम वो किसी से कहते भी नहीं हैं। और कई बार तो लोगों के साथ ये होती है कि आप उससे परेशान होते हैं पर आप खुद को पता नहीं होता है कि हम उन सब परेशानियों को इतना ज़्यादा दिमाग में घर कर लिया है कि हमें खुद को पता ही नहीं कि हम क्यों परेशान और चिंताओं में रहते हैं। तो अगर आपके मन में इस तरह की सिचुएशन चल रही है या कभी कभी होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप कहेंगे कि आपके कहने से थोड़ी कुछ होगा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी जाने अनजाने में भी आपको कोई अहित नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो, यहाँ तक आप इस वीडियो को देखते और सुनते आए, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बात है कि एक बार अगर कोई तनाव में हो, कोई परेशानी हो या कोई प्रश्न हो जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है कि जीवन में क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, तो बिल्कुल बेझिझक एक अपना भाई और दोस्त समझकर स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस लागू है दोस्तों, लेकिन आपकी परेशानी का समाधान जरूर एक सकारात्मक वे में मिलेगा, उस पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहली बात है कि जो जितना सरल व्यक्ति होता है ना, ईश्वर पर उसकी उतनी कृपा होती है, और आप बहुत सरल हैं। आप किसी को अपने मन की बात बता देना, आप किसी की मदद कर देना, किसी व्यक्ति का आप अच्छा सोचना, या किसी की भी आप हमेशा नेचर वाइज हेल्प करना, ये प्राकृतिक स्वाभाविक गुण है। और अगर आप में ये गुण है मौजूद तो आपका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का इंसान कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और आप वो प्रकृति हैं, आप में वो शुद्ध भाव प्रकृति के हैं, तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा है, आपके पास मंत्रों का कवच अपने आप बनाएं। मंत्रों के कवच के लिए एक मंत्र लें, कोई सा भी मंत्र लें, आप गुरु मंत्र लें, इष्ट मंत्र लें, या नहीं कोई सा मंत्र है तो ओम नमः शिवाय लें, और मंत्र को जाप करें। उस मंत्र को अपने मन में हमेशा जाप करते रहें, सोते उठते बैठते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र का अपने आसपास एक ऐसा सकारात्मक ओहरा बन जाएगा कि आप जहाँ मौजूद होंगे वहाँ पर उत्सव से ऐसा लगेगा, आप जहाँ पर जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको बहुत सम्मान, इज्जत, और आपके होने से बहुत से काम हो जाएंगे। आप खुद उस बात को केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन शब्द नहीं दे सकते। तो वो मंत्र की एक शक्ति अपने इर्द गिर्द बनाएं, तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप हमेशा खुश रहेंगे। आप जैसे अच्छे इंसान हमेशा खुश रहेंगे और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, बस विश्वास।